गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक बात बस बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं राजेश अपनी ज़िंदगी की बीती एक हसीन दास्तां आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ, अपने बारे में मैं ज़रा सा बता देता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास हायर लेकिन अपर मिडिल क्लास से थोड़ा कम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक टाउन सिटी में रहता हूँ और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हर वो काम, हर वो सुख सुविधा चाहता हूँ जो हर कोई चाहता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। मेरी शादी अभी करीब 1.5 साल पहले हुई है। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था और मैं ऑफिस जाता, ऑफिस से 5-6 बजे आ जाता, फिर पत्नी के साथ थोड़े टाइम स्पेंड करता। यूँ कहे तो अभी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सही चल रही थी। फिर दोस्तों शादी के जैसे 1 साल बाद होता है वैसे हमारी ज़िंदगी में भी आया। अरे नहीं, मैं पत्नी से झगड़े की बात नहीं कर रहा, वो तो हमें बहुत प्यार था। इतना प्यार कि मैंने अपनी पत्नी का पेट मोटा कर दिया। आप तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हुआ यूँ कि अब मेरी पत्नी को अकेले काम करने में ज़रा दिक्कत सी आने लगी घर पर। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, घर पर एक नौकरानी लगा देते हैं। मेरी पत्नी बोली कि नहीं बेकार पैसे खर्च होंगे, मैं तो ऐसे भी घर ही पर रहता हूँ, क्या ही ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं लगा देता हूँ, आप चिंता मत करो। और तो मेरी पत्नी ने कहा ठीक है उसने। और फिर हम लोगों ने कुछ एक दो देखा, एक दो जगह काम वाली, फिर हमें काम वाली मिल भी गई। दोस्तों अगर मैं उस काम वाली के बारे में बताऊँ ना तो वो बहुत ही कयामत सी थी देखने में। देखकर लगती नहीं थी कि वो काम वाली है, बहुत ही स्टाइलिश सी। अब लेकिन मैं सहरा साफ सुथरा मन का इंसान, सादे सुधा इंसान कर भी क्या सकता है, डर तो रहता है। तो वो नौकरानी आई काम करने के लिए। वो ऐसे तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, मीठी मीठी बातें करती, लेकिन मैं उसकी मीठी बातों पर नहीं पिघलता क्योंकि मुझे पता था कि मेरी वाइफ है और ये सब कुछ गलत है, बस यही सोचकर। और ऐसे ही फिर दोस्तों काफ़ी दिन बीत गए और मेरी बीबी की अब थोड़ी सी और दिक्कत आने लगी थी, जैसे 6-7 महीना हो गया। तो इस वजह से वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी रेस्ट करती तो मेरी बीबी को वो काम वाली मालिश करके देती। मेरी बीबी उस काम वाली के बातों से और उसकी मालिश से इतनी पागल थी कि मेरे सामने उसके चर्चे उसके ख़त्म नहीं होते। मेरी बीबी कहती कि वो बहुत अच्छा मालिश करती, मुझे तो नींद आ जाता है और मैं बहुत रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है करवाते रहो, तुम्हारे बॉडी के लिए भी अभी इस टाइम पे मालिश सही है। मैं भी बहुत खुश था कि चलो मेरी बीबी खुश है और वो काम वाली मुझसे मीठी मीठी बातें करती। कभी कभी तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता। फिर दोस्तों ऐसे ही टाइम बीतने लगा और टाइम के साथ साथ मेरी वाइफ हमेशा मुझे बोलती कि आप थक के आते हो तो एक काम क्यों नहीं करते, आप भी मालिश करवा लो, आप भी मालिश करवा लो। लेकिन मैं मालिश वगैरह नहीं करवाता, मैं तो एक काम वाले से दूरी बना के ही रखता। वो दोस्तों आप जानते हो मुझे कहीं ना कहीं डर था कि क्या होगा नहीं होगा, मेरी बीबी डाउट की तो, जबकि मेरे मन में उसके लिए कुछ ऐसा बात था नहीं अब तक। लेकिन हाँ उसे देखने का बहाना जब वो नीचे झुके या फिर जब वो पोछा लगाए तो नहीं छोड़ता। अरे दोस्तों ये भी कोई छोड़ने वाली चीज़ है, आप भी जानते ही होंगे जब आपको सामने कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए तो आप भी तो देखोगे ना। बस मेरे साथ भी जनाब कुछ ऐसा ही था। ऐसे ही टाइम बीतने लगा और टाइम के साथ साथ मैं भी अपने लाइफ में थोड़ा बिजी होता रहा। फिर दोस्तों उसके बाद एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हुआ कुछ यूँ कि मैं ऑफिस के काम से कुछ ज़्यादा ही थक गया था। तो उस दिन मेरी बीवी जिद करके बोली कि काम कीजिए, मैं काम वाली को बोलती हूँ वो आपका मालिश कर देगी, आपको रिलैक्स हो जाएगा। मेरे थोड़ा सा ना ना करने के बाद भी मेरी पत्नी ने उस काम वाली को बोला। सच में लेकिन उसके हाथों में मानो जादू था, मैं तो जैसे नींद से सो ही गया। जब मेरा होश आया तो मुझे एकदम सुकून वाली फीलिंग आई। मेरी बीवी ने कहा हो गया ना फ्रेश। मैंने कहा हाँ यार उसके हाथों में सच में जादू है। मेरी बीवी ने कहा मैंने तो आपको पहले ही कहा था
आप ही बहाना कर रहे थे, इसीलिए मेरी बात सुना करो। मैंने कहा हाँ, और फिर मैं भी उस काम वाले के मालिश से बहुत खुश हुआ। तो मेरी बीबी ने कहा, एक काम करना, साहब को हर हफ्ते 2 बार मालिश कर देना, ऐसे भी बेचारे बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं। दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों में मेरी बीबी का 9 मंथ का प्रेगनेंसी था, तो अब वो अपने मायके गई। मायके जाने से पहले वो काम वाले को बोल के गई कि वो कुछ ज़्यादा पैसे दे देंगी, लेकिन बदले में मेरा खाने वाने का सब कुछ का वो इंतज़ाम कर दे। मेरी काम वाली बोली कि हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी भाई साहब का। मैं उसकी तरफ देख रहा था, उसने कहा कि अरे मतलब खाना वाना। मेरी बीबी ने कहा हाँ हाँ समझ गई। दोस्तों उसके बाद मेरी वाइफ तो चली गई, अब घर पर मैं ही रहता दिन भर, और मैं हमेशा बस यही सोचता कि कब मेरी काम वाले को देखने का मौका मिल जाए। नीयत मेरी भी ज़्यादा सही नहीं थी, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। फिर हुआ कुछ यूँ कि एक दिन की बात है, मैं उस दिन बहुत थक के आया था, तो मैंने बोला कि मालिश कर दोगी, तो उसने कहा हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं मालिश कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाकर थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए सो गया। जब मैं सो के उठा तो जो कुछ मैं देखा वो देख के मैं चौंक गया। मेरे कपड़े वगैरह सब अजीब अजीब हालत में थे, और मेरी काम वाली यहाँ पे बैठ के रो रही थी। उसने कहा भाई साहब, मैंने तो आपको अच्छा समझा था, आप मेरे साथ ऐसे करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तो उसने कहा आप ही देख लीजिए आपने मेरे साथ क्या किया। दोस्तों उसका अवस्था देखकर मैं समझ गया था कि मैंने कुछ ज़रूर गलती कर दी। मैं कहा कि देखो मैंने जो भी किया, मैंने कभी तुमसे जानबूझ के ये सब नहीं किया। दोस्तों सच में मेरे दिमाग में उसके प्रति ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, और ना ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता था। वो रो रही थी, उसने कहा अब मैं किसको बोलूँगी, मेरे पति क्या बोलेंगे। दोस्तों इन सब चीज़ों से मैं बुरी तरह फंस गया। मुझे बहुत डर था अगर ये सारी बातें उसे वो अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी को बोल दे। मैं डर डर के बोला कि बाबू तुम जो चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए नहीं चाहिए मैं हर तुम्हारी चीज़ें ज़रूरत पूरा करूँगा। फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए। दोस्तों उसके बाद से चाहे जो हुआ आप सोच नहीं सकते। वो पैसे लेके तो खुश हो गई, कुछ दिन बाद फिर आके वो रोने लगी। मैंने कहा अब मैंने क्या किया? तो उसने कहा मैं पेट से हूँ। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा हाँ ये सब आपकी गलती के वजह से हुआ है। दोस्तों अब मैं पूरी तरीके से फंस चुका था, ना ही ये बात मैं किसी को बता सकता था, ना ही कुछ। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। मैंने इन सब चीज़ों का एक ही फैसला किया कि मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा, उसको सारे पैसे वगैरह सब देते रहूंगा। यही सब चक्कर में फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी तो आई, लेकिन अब मेरा व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया था। मेरी पत्नी ने बहुत बार मुझे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। मैं अपनी सारी शुदा ज़िंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि मैं अपने सारे पैसे तो काम वाले को ही दे देता। काम वाली घर आती और हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ चीज़ों का डिमांड करती। इस तरह बहुत दिन बीत गए, और बहुत दिनों बाद एक बार की बात है, ये सारी बातें मैंने अपनी पत्नी को रोते रोते बता दी। आप सोचेंगे कि लड़का होके मैं रोया? हाँ दोस्तों आप सोच नहीं सकते मेरे साथ जो बीत रहा था। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि ये सब में मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी पत्नी पहले तो थोड़ा गुस्सा आई, क्योंकि मुझे पता ही था कि गुस्सा आएगी, कोई भी गुस्सा आएगा, लेकिन फिर बाद में उसी ने मेरी मदद की। उसने डायरेक्ट जाके काम वाले से कहा कि एक काम करो, जाओ लेके आओ, हम उनका तुम्हारा बेबी है ना उसका DNA टेस्ट करेंगे। दोस्तों उस वक्त उस काम वाले की सारी बात सच्चाई सामने आई। जब वो ना ना करने लगी तो हमने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, तो बात जो सामने आई वो सुनकर हम चौंक गए। ये काम वाली जो मालिश करती थी जिस तेल में, उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिला हुआ रहता जिससे कि कोई भी इंसान उसके बस में आ जाता, उसे नींद आ जाती, और बस वो यही चीज़ का फ़ायदा उठाती। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, बस इतना था कि मैं वो बस चुप रह गया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों अब मैं समझ चुका था कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो, मैंने सही किया या गलत? अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि क्या सही था क्या गलत। बस मैं ये आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप डरिए मत। अगर आपको लगता है आपने गलती से भी कुछ की है तो आप अपने परिवार को बता दीजिए, वही आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बस दोस्तों यही थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप बेशक इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।